सो ये बात हो रही थी यहाँ पे सीड मशीन इंट्रोड्यूस की गई है जीएम क्रॉप्स की बात हो रही है चाहे हॉबिसाइड टॉलरेंट व्हिच ओनली किल्स द वीड्स सो वन ऑफ द मेजर प्रिजनर स्वॉप्स अभी जो हुआ है बिटवीन वेस्ट एंड द रशिया सो अगेन हाउ दिस इज आल्सो बिकम रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिक्स सो प्रिवर द प्रिजनर्स आर यूज वहां पे भी जो हम बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो फोकस नहीं है फोकस है अगेन जी जियो पोलिटिक्स की बात की जा रही है प्रिजनर्स को आप कैसे लेवरेज बना के यूज uh, कर रहे हो इन अ वे तो जो रियल इंटेंशन है वो प्रिजनर्स राइट्स या ह्यूमन राइट नहीं है

जब हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं तो रशिया हैज हेल्ड बैक द रिलीज ऑफ दीज यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स टू फ्लेम द डोमेस्टिक टेंशंस अगेंस्ट दीजेंस की गवर्नमेंट यूक्रेन की गवर्नमेंट आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर एस्टैब्लिशेस द प्रिंसिपल ऑफ द सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल द यूएन मेंबर्स सो रिस्पेक्टिंग लॉज ऑफ ईच कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इट So, overall debate. Here. Price of a prisoner's freedom is not just limited to what is paid for them in the particular exchange. Hmm. Waiting for new politics. So, this is specifically talking about after the abrogation of Article 370. so this is kind of a metaphor kashmir has become a metaphor for assertive integration and homogenization to yahan pehle budget ki baat ki ja rahi hai rate of change in the public investment that is declined to 6% मतलब उसके बाद भी क्या रियल सेंस में ग्रोथ देखी गई है यहाँ पे खाली एक numbers के through बात हो रही है तो एक GDP growth

then there is again more connectivity also जब हम railways की बात करते हैं so this is helping even जब हम farmers की बात कर रहे हैं तो there also we are seeing more uh, positivity तो so, गाजा की हम बात कर रहे हैं तो वन तो वी आर डेफिनेटली सीइंग जो इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दी इज़राइल हमस वॉर एंड देन यहाँ पे पोलियो की बात हो रही है तो सो यूजिंग दी बायोलॉजिकल वेपन्स टू डिसमिनेट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन्स टू हार्म और किल द ह्यूम और एनिमल्स और प्लांट्स सो क्लाइमेट चेंज दूसरा अगेन एक नेचुरल काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स उसकी वजह से स्प्रेड हो रहे हैं सो so, एक तरीके से डिजीज बर्डन जो इंक्रीज हो रहा है उसके पीछे के फैक्टर्स की बात की जा रही है डिफरेंट वेज में कैसे वो प्रेशर एडअप कर रहा है सो शुड टू सस्टेन इसरा हार्मफुल लिविंग कंडीशन इन गाजा दउटकम ऑफ इट एक्शन फ्रॉम दोल सो so, एक तरीके से इनडायरेक्टली अगर मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज नहीं भी किया जा रहा है तो एक तरीके से ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी हम इसको बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग डिजीज बर्डन या जो हेल्थ केयर जो बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज है वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है लोगों के पास सेफ uh, जगह नहीं है रहने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हैं फूड की वाटर सप्लाई की वो भी नहीं मीटअप हो पा रही है तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर

तो so, 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 बस बात यही हो रही है, और तो है। so, ये भी बहुत बड़ा एक The war has taken this. WHO has recorded Gaza's immunization rates to have declined to 89% from 99%. And kal dekha ki Bangladesh mein situation change hui. the situation in The protest turned so violent that the Prime Minister of Bangladesh had to resign and flee from the country. So 97 people killed, hundreds injured. So a military coup. उट टू बी सक्सेसफुल इन बांग्लादेश तो इंडिया के लिए क्या और बोल सकते हैं कि इसके रेपोकशंस क्या हो सकते हैं तो डेफिनेटली जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की सिक्योरिटी है दैट इज गोइंग टू कम अंडर प्रेशर रिफ्यूजीज कैन रेफ्यूजी इन्फ्लक्स टू इंडिया अगेन इन दराउंड स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल है असम है मेघालय है एंड त्रिपुरा इज देयर सो वहाँ पे जो डोमेस्टिक सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है सो दैट इज वन ऑफ दिंग्स

In the same manner with discussions and deliberations on the emerging topics of importance for from the perspective of the UPSC Civil Services examination. Stay tuned for further videos.